हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और पहुंच गई हूँ मैं अबू धाबी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। और ये देखो मेरी वॉच, ये मुझे वॉच लग गई है होम क्वारंटाइन के लिए। और ये निकलेगी 10th डे बाद, मतलब मेरा 10 दिन का अभी होम क्वारंटाइन है और मैं कहीं नहीं जा सकती ये वॉच के साथ। और एक्चुअली आना बहुत दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत टाइम लगा, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मेरे को डिपार्चर करना था, डिपार्चर का टाइम बहुत हैक्टिक था। हर जगह बहुत टाइम लग रहा था, या सिक्योरिटी चेक इन हो या फिर बोर्डिंग पास लेना हो, इमिग्रेशन हो, हर जगह बहुत लंबी लंबी लाइनें थी और उसमें बहुत टाइम लगा मुझे। और आने के बाद यहाँ पे अबू धाबी एयरपोर्ट पे फटाफट हो गया सब कुछ 5 मिनट में, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, लड़की थी, तो उन्होंने बहुत सब कुछ आगे 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 भेज दिया सारी चीज़ों के लिए, तो ये एडवांटेज मिला। सो नाउ अभी मैं आ गई हूँ अबू धाबी और बहुत अजीब फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिन जब मैं इंडिया में थी, इतने सारे लोग दिख रहे थे, इतनी सारी भीड़ दिख रही थी, क्राउड था, सड़कों पे लोग थे, मुझे इतना अजीब लग रहा है। अभी मैं रोड्स को देख रही हूँ तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब इतने कम लोग हैं, इतना दूर दूर है, ना ट्रैफिक है, ना क्राउड है, ना आवाज़ें हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है। और क्राउड की, आवाज़ों की, सारी चीज़ों की आदत पड़ गई थी और काफ़ी अकेला अकेला लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो बहुत शांति है और आई थिंक एक आध वीक लग जाएगा एडजस्ट होने में, एक आध वीक लग जाएगा। आज मेरा 4th डे है तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया है। अभी 2 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रहा है धीरे धीरे। और ये देखो यहाँ पे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक। ये देखो कैसी खाली सड़कें हैं, वो जो इंडिया वाला क्राउड दिखता है रोड पे, लोग दिखते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, वो वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और उसकी आदत पड़ गई है अभी 1.5 महीने में। तो अभी आज मेरा 4th डे है और आज मुझे PCR टेस्ट कराने जाना है। एक 4 डे पे PCR टेस्ट कराना जाना होता है, तो आज मैं जाऊंगी अपना PCR टेस्ट कराने के लिए। तो प्रतीक अभी ऑफिस में है, जब वो आएगा तो हम लोग PCR टेस्ट कराने जाएंगे। एक तो अभी मैं आई हूँ इंडिया से इतने टाइम बाद, और ऊपर से मैं क्वारंटीन हूँ, बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अभी थोड़ा और वो टफ हो गया है। आई कैन सी द होम आफ्टर लॉन्ग टाइम, माई प्लांट्स, माई रूम, एवरीथिंग। Now I have to clean lots of things, बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छे से अरेंज करनी है और बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद खाना भी बनाना है। इतने टाइम से आदत पड़ गई थी घर में बैठ के आराम से मम्मी के हाथ का खाना खाने की, और सीरियसली पता है अभी मैं अपने हाथ से, अब मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे वहाँ पे इतनी आदत हो गई थी मम्मी के हाथ की चाय पीने की, और अब अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा। इतने टाइम से मम्मी के हाथ के खाना खाने को मिल रहा था तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब खुद से बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ हमारा लंच प्रिपेयर, और काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी है वो, उसके बाद मुझे जाना है PCR टेस्ट के लिए। उसके बाद आई विल शूट जब हम PCR टेस्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बहाने ही सही मुझे 4 दिन बाद घर से बाहर निकलने को मिलेगा और अपनी गाड़ी में बैठने को मिलेगा, एक्चुअली बहुत दिनों बाद। सो लेट्स गो, चलते हैं, मैं जा रही हूँ PCR टेस्ट कराने के लिए। वाह, 4 दिन बाद मैं निकली हूँ बाहर, एक्चुअली जब से आई हूँ, और ये है मेरी गाड़ी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग दिस टाइम आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया। मैं आई हूँ कम से कम 1.5 महीने बाद, इतने दिनों बाद अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। और गाइज मुझे बताइए इससे रिलेटेबल एक्सपीरियंस, आपके क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप आते हो अपनी होम कंट्री से वापस, कैसा लगता है मुझे ज़रूर शेयर करो कमेंट में। एंड मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून।